छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एक्सेस से रिलेटेड। एक यूजर का कहना है कि हम अगर लोगो लगाएं अपने किसी डाटा एंट्री में या कोई बिल है, एक्स वाई जेड कोई अकाउंटेंट से रिलेटेड सीट है, अब हम उसके अंदर एक लोगो लगाने चाहते हैं या पर्टिकुलर इमेजेस, तो कैसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ रही है तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक्सेल सीट के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करा लेना है। तो यहाँ पर इंसर्ट कराने के लिए सिंपल से आपको इंसर्ट के अंदर जाना है, यहाँ पर मिलेगा पिक्चर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों लोगो इंसर्ट होने के बाद आपको यहाँ पर नॉट मिलेंगे एंड यहाँ एरो मिलेगा, जिसे आप ड्रैग डाउन करके इधर उधर अपने लोगो को सेट कर सकते हैं कितनी भी डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्टेड रहने देता हूँ एंड ही नॉट आएंगे, नॉट्स पे आप क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर कहाँ रखना है तो आप ले जाएंगे यहाँ पर सिंपल सा और सेट कर देंगे, ठीक है। आपको जहाँ रखना है आप वहाँ रख दीजिए, ठीक। आपको इधर रखना है या सेंटर में रखना है अपने हिसाब से आप रख दीजिए। एंड यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट करेंगे तो इमेज से रिलेटेड काफ़ी फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हो अपनी इमेजेस के अंदर। एंड यहाँ पर काफ़ी कलर मिल जाएंगे, कलर भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इफेक्ट और मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको फ्रेम मिल जाएंगे, आप कैसे फ्रेम में रखें 3D इफेक्ट में, और आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई इमेजेस है तो आपको केवल इंसर्ट कराना है और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।